तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फेस मी AI आर्ट फोटो एडिटर एप्लीकेशन के बारे में, और ये एप्लीकेशन है क्या और इसे यूज़ करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, ये एक तरह का फ़ोटो एडिटिंग एप्लीकेशन है जिसमें आपको AI का फीचर मिलेगा, जिसकी मदद से अच्छे से क्वालिटी से आपका फ़ोटो एडिट हो जाएगा। अभी तक इसको 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया, 4.1 की रेटिंग मिली हुई है। जैसे ही हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ प्रोसेसिंग हो रहा है, प्रोसेसिंग होने के बाद हम इस ऐप के नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, यानी होम पेज पे। तब तक के लिए हमको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर ये कट कर देंगे हम लोग, यानी कंट्री टू ऐप पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करके सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको कट कर देंगे हम लोग, और यहाँ से फिर से कट कर देंगे। कट करने के बाद हम आ जाएंगे इस ऐप के होम पेज पे। तो दोस्तों, ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आप आसानी से अपनी फ़ोटो को फ़ोटो स्वैप कर सकते हैं, ठीक है। फोटो स्वैप वाला एप्लीकेशन है जिसमें आपको यहाँ बहुत सारे टैंपलेट शो करेगा। इनमें से जिस भी टैंपलेट में आपको अपना फ़ोटो डालना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो 2 से 3 स्टेप में आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे कोई एप्लीकेशन, जैसे मुझे इस इमेज में अपना फ़ोटो डालना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे, अलाउ करेंगे, और यहाँ से एक अपना फ़ोटो ले लेंगे गैलरी से, यानी अपने फेस का, और यहाँ पर फेस का हो जाएगा सबमिट करेंगे। यहाँ पर सबमिट करने के बाद यहाँ पर एक ऐड आएगा, यहाँ पर 5 सेकेंड में ऐड आएगा, और ऐड आने के बाद इस फोटो में मेरा फ़ोटो यानी फेस लग जाएगा। ये 30 सेकेंड का ऐड है और इस ऐड को हम लोग कट कर देंगे देखने के बाद। तो ऐड फिनिश हो चुका है, इसको हम कट कर देते हैं, और अभी आप देख सकते हो हमारे इस इमेज में मेरा फेस सेट हो चुका है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर क्लिक करते ही आपको सामने यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ये फ़ोटो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करके यहाँ पर बहुत सारे टैंपलेट आपको शो करेंगे। आपको इनमें से जिस भी टैंपलेट में, जिस भी फ़ोटो में अपना फेस डालना है उसको सिलेक्ट करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, फिर अपनी गैलरी से एक फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे और आसानी से इन सभी फ़ोटो में अपना फेस लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं।